हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR द एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो होने वाली है म्यूचुअल फंड में होने वाली कुछ मिस्टेक्स के बारे में, जिसकी वजह से आप अपने रिटर्न्स को बहुत ज्यादा कम कर लेते हैं या फिर नेगेटिव रिटर्न्स को भी ही प्राप्त करते हैं। तो इसी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। तो सीधा पॉइंट पे आते हुए, मैं म्यूचुअल फंड्स में परचेज करने वाले में म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करते वक्त में होने वाली गलतियों को लिस्ट डाउन करता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक्स जो होती है, आप सिलेक्ट कर लेते हैं एक रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान के बारे में समझिए, कभी भी कोई आप म्यूचुअल फंड को पिक करेंगे तो वहां पे दो तरीके के प्लान आपको दिखाई देंगे, एक होता है रेगुलर प्लान, एक होता है डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में क्या होता है कि जो वो कंसल्टेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर में, जो म्यूचुअल फंड्स के प्लान को बेचते हैं, तो म्यूचुअल फंड एजेंसी क्या करती है कि उनको प्लान बेचने के बदले में आधे से 1% की कमीशन देती है, जिसको आपको एक्सपेंस रेशो के थ्रू चार्ज हो जाता है आपके ऊपर में। मतलब समझिए, आपने एक म्यूचुअल फंड परचेज करा, हाँ, तो उसके अंदर में जो कुछ चार्जेस होते हैं म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के, एग्जाम्पल के लिए 0.30% किसी म्यूचुअल फंड के चार्जेस हैं डायरेक्ट प्लान के अंदर। अगर आप यही रेगुलर प्लान लेंगे तो आपको वही जो चार्जेस होंगे वो 1.30 से लेकर 2% तक भी पड़ सकते हैं। 1 से 1.5% की जो कमीशन होती है वो आपके कंसल्टेंट को जाती है। मतलब आप चाहे कमाएं या ना कमाएं, जितनी भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं हर अमाउंट के ऊपर पे उनको वो कमीशन बीच में जाती है। अगर आप डायरेक्ट प्लान पिक करेंगे, कंसल्टेंट के थ्रू नहीं जाते हैं, तो आप अपनी जो अर्निंग होती है उसको 1% से बढ़ा सकते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट, यही जो मैंने पॉइंट बताया पहले वाला, उसी को रिफ्लेक्ट करता है। आप एक्सपेंस रेशो को जरूर नजर मारें कितनी है। जो भी आपके रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देती है, किसी भी जिस आपको जहां पे भी एनालाइज करते हैं अपने म्यूचुअल फंड को, तो उसमें जैसे देखिए, एक म्यूचुअल फंड है, दोनों के दोनों 15% दे रहे हैं ओवर द ईयर, उनकी दोनों की रिटर्न्स बिल्कुल बराबर लग रही है नेक टू नेक, आप काफी कंफ्यूज हैं किसको पिक करना है। जैसे कि आप टाटा बैंकिंग फंड देख सकते हैं, SBI का बैंकिंग फाइनेंस फंड देखेंगे, दोनों आपको नेक टू नेक बराबर दिखेंगे। फिर आप जाएंगे उनके एक्सपेंस रेशो के ऊपर में। जब आप एक्सपेंस रेशो देखेंगे, अगर आपको एक की एक्सपेंस रेशो लगती है कि 1.30 है, दूसरे की 0.90 है, तो आप उतने से उनकी जो अर्निंग है उसको माइनस कर दें, क्योंकि आपको तो इनको एजेंसी को पे करना पड़ता है। तो वहां पे आपको एक्चुअल नेट रिटर्न्स प्राप्त होगी, और नेट रिटर्न को देख के ही आप इन्वेस्ट करें। तो आप जहां पे भी एक्सपेंस रेशो कम हो उस पे जाएं, रिटर्न्स को देखते वक्त में एक्सपेंस रेशो को भी डेफिनेटली स्टडी करें, क्योंकि इससे आपके नेट रिजल्ट पे बहुत फर्क पड़ता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हमेशा रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड के ऊपर में लगाएं जो कि 5-स्टार रेटेड फंड हो, लॉन्ग टर्म से अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। और जब आप एक बार इन्वेस्टेड हो जाएं तो लॉन्ग टर्म के लिए उसमें देखें, छोटे मोटे उतार चढ़ाव के लिए कभी भी चेंजेस ना करें, जब तक कि आप पाएं कि ये कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आप डेफिनेटली स्विच करें, अदरवाइज आप स्टिक करें अपने म्यूचुअल फंड के साथ में लॉन्ग टर्म के लिए। चौथी मिस्टेक्स जो म्यूचुअल फंड को परचेज करते हुए लोग करते हैं, सुनी सुनाई के अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड के साथ में स्विच करते रहते हैं। मतलब किसी ने बताया ये वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है, किसी ने बताया दूसरे तरीके का म्यूचुअल फंड अच्छा है, तो आज इसको खरीद लिया, फिर उसमें से एग्जिट कर लिया, फिर दूसरे को परचेज कर लिया, फिर तीसरे को परचेज कर लिया। इस तरह से किसी भी फंड को परफॉर्म करने नहीं देते हैं, तो आपको थोड़ी सी शांति रखनी पड़ेगी, स्टिक करना पड़ेगा, हाँ, और उसी म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू रखें जिसमें आप काम कर रहे थे। नेक्स्ट चीज है, आप पोर्टफोलियो को स्टडी करना शुरू करें। जिस भी तरीके की थीम में आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म में लगा रहे हैं, मिड कैप में लगा रहे हैं, स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, उसमें एक सेक्शन होता है जहां पे बताया जाता है किस कंपनीज के स्टॉक्स को इन्होंने मेंटेन करा है और किस तरह से उनकी वेटेज है। उनको एक बार टाइम पीरियड लेके, एक दिन लगाएं, दो दिन लगाएं, उनको स्टडी करें, उन कंपनीज के जिनमें स्टॉक्स हैं उनकी प्रोफाइल्स को आप स्टडी कर सकते हैं, उनके चार्ट्स को एक बार देख सकते हैं बेसिक लेवल पे। तो अगर आपके हायर वेटेज वाले फंड्स अगर आपको लगता है कि अच्छा करने वाले हैं, तो उसमें डेफिनेटली आप लुक इन कर सकते हैं। मेरी राय रहती है हमेशा लॉन्ग टर्म से स्टार्ट करें, लार्ज कैप फंड से स्टार्ट करें, 5-स्टार रेटेड फंड से स्टार्ट करें, और धीरे धीरे रिस्क को वो कम करते हुए जाएं, क्योंकि सबसे पहली होती है पैसे की सिक्योरिटी, जहां पे हमने पैसा लगाया हुआ है। इसके बाद में जो म्यूचुअल फंड के अंदर में जो अगली मिस्टेक करते हैं लोग, SIP में जब पैसा लगाते हैं तो SIP लाइफ टाइम के लिए सेम अमाउंट रख देते हैं।
जैसे कि आपने आज 2,000 रुपये की SIP लगाई है, तो अगले 3 साल तक, 5 साल तक वो 2,000 की SIP ही चलती जा रही है, जबकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी वक्त के साथ बढ़ी है, आपके एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, तो उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ना बहुत जरूरी था। ये मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं, अपनी SIP को टॉपअप नहीं करते हैं वक्त के साथ में, इसका ध्यान रखें। अगली इस मिस्टेक एक होती है कि लोग जब देखते हैं कि मार्केट गिरने लग गई है, जब उनको अपने डेली बेस पे अपने म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने लग जाते हैं, तो वो पाते हैं किसी पॉइंट में, पीरियड में, म्यूचुअल फंड मार्केट भी नेगेटिव जाती है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि अभी करंट का पीरियड आप देखेंगे तो कुछ टाइम से मार्केट लगातार डिप हो रही है, तो ये टाइम पे लोग म्यूचुअल फंड की SIP को स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बोलते हैं इसमें कुछ नहीं रखा, मेरा पैसा नेगेटिव होने लगा, डर जाते हैं। जबकि यह टाइम होता है परचेज का, जब मार्केट गिरती है तब परचेज अच्छी होनी चाहिए, तो आपको रुकना नहीं है, किसी भी हिसाब से डरना नहीं है, अपनी इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस रखें और कंटिन्यू करें। नेक्स्ट है लमसम। लमसम जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें ध्यान रखें कि जिस भी फंड पे लगा रहे हैं बहुत ध्यान से, एक ऐसे पीरियड पे अगर आप लमसम लगाने के कभी भी पॉइंट में सोचते हैं, तो लमसम उस पॉइंट में लगाएं जिस समय मार्केट गिर रही हो या काफी अच्छी एक गिर चुकी हो, उस पीरियड में आप लमसम लगा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जबकि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब हर चीज बढ़ रही होती है, हर दिन आप रिटर्न्स को एक नेक्स्ट लेवल पे देख रहे होते हैं, उस बढ़ते हुए टाइम पर आपको प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है, ना कि परचेसिंग का टाइम होता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट हमेशा गिरती हुई मार्केट में ही लगाएं, इन चीजों का ध्यान रखें। और इसके अलावा इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं, यहाँ पे आपकी एक्सपेंस रेशो कम होती है, मार्केट को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है GDP को, तो आपके ग्रोथ फैक्टर्स अच्छे रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने टू द पॉइंट बनाने की कोशिश करी है, शॉर्ट रखी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।